हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा साधारण ब्याज का तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा और इसके बाद अगर वीडियो आता है तो वो एक लास्ट वीडियो होगा साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ। आई होप कि जो पिछले दो वीडियोज थे उनको आपने देखा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बेसिक से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी थी और जो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं तो कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए यहां पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पे जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। चलो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज एक बार वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, वीडियो को पॉज करो और लाइक कर दो। देखो यहां पे जो आपका पहला नंबर प्रश्न है वो क्या कहा जा रहा है, 2000 का 5/2 वर्षों का। ठीक है, अब देखो अभी तक तुमने क्या देखा कि जो तुम्हें समय बताया जाता था वो किस तरह से होता था, एक होल नंबर होती थी, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें पूर्ण संख्या होती थी या फिर प्राकृतिक संख्या, इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से आपको समय दिया जाता था। लेकिन यहां पे क्या है, भिन्न के रूप में आपको समय दिया गया है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हमने अभी तक प्रश्नों को हल किया है उसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे। तो चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सूत्र अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज एक बार सूत्र को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए या फिर नोटबुक में कहीं पे लिख लीजिए। 2 से 3 बार जब आप लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। देखो जब वीडियो की शुरुआत होती है, ठीक है, जब भी वीडियो की शुरुआत होती है टॉपिक वाइज, तो आप ना क्या किया करिए कि एक बार फॉर्मूले 2 से 3 बार लिख लिया करो, ठीक है, कॉपी में जब लिखोगे तो आपको मेमोराइज हो जाता है और उसके बाद आइए तो फिर प्रश्नों को हल करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखो छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर उन पे तुम सुधार लाते जाओगे तो एक दिन क्या होगा कि ये सवाल तुमको एज इट इज बनने लगेंगे। चलो अभी देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। मूलधन बताया जा रहा है बेटा 2000, तो ये हमने लिख लिया 2000 गुणे 5/2 वर्ष में, तो सबसे पहले तो एक बड़ा वाला बटा होता है, ठीक है, अपॉन में 100 होता है। क्यों होता है, ये परसेंट के लिए 100 होता है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, 5/2, ठीक है, कितना कहा जा रहा है, 5/2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इनटू यहाँ पे 5/2 को हमने लिख दिया है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे समय लिख दिया है, चलो दर को बाद में लिख लेंगे, कितना है 5%, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज कितना मिलेगा, बस सिंपली यहाँ से कैंसिल आउट करिए यहाँ से इसको। अब देखो 2 से इसको भी आप चाहो तो काट सकते हो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना, 5 × 5 × 10, ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा यहाँ से, 25 हो जाएगा और यहाँ पे 10 का गुणा, तो 10 × 25 विल बी योर 250 एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, ये जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। आई होप कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू मिले, चाहे वो वर्षों में बात की जा रही हो, वर्ष को फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो, या फिर यहाँ पे दर को यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में दिया हो, आप भिन्न का जो नीचे वाला हर होता है उसे क्या कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे, हर में लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिए, ठीक है, कितने उधार लिए बेटा, 20,000 उधार लेता है वो, ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है, याद रखना, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। कितने वर्ष में, समय हो गया 2 वर्ष, दर कितना हो गया 10%, उधार कितना लिया था 20,000। चलो तो सबसे पहले इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लिया हमने, दर कितना बताया जा रहा है 10 और समय कितना दिया जा रहा है 2 वर्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। पर क्या यहाँ पे आपसे ब्याज सहित बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने
कितने पैसे वापस किए होंगे, ब्याज सहित पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ब्याज निकालिए कितना आएगा, 10 यहां से, 10 यहां से, 2000 × 2 बराबर कितना जाएगा बेटा यहां से, 4000 जो होगा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अधिकांश बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं यहां पे गलती कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो सर आंसर आया है 4000, जल्दी से आए और टिक कर दिया, तो इस तरह में हो जाता है बेटा आपका ये गलत। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि 4000 नहीं, आपसे पूछा जा रहा है ब्याज सहित। तो ब्याज सहित क्या होगा, इतना तो हमारा ब्याज निकल कर के आया है, और जो हमने उधार लिया था वो कितना था बेटा, 20000 था। चलो ऐड कर दो कितना हो जाएगा यहाँ से, 24000, ठीक है। तो यही होगा आपका राइट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं समझने वाली, बस इतना सा पार्ट जिसने समझ लिया होता तो उसका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 उधार लेता है, ठीक है, उधार लेता है मतलब मूलधन तो हमें पता लग गया। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, अब चलो दर भी पता लग गया, तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा दे मिश्रधन, देखो मिश्रधन, मूलधन के बाद अभी आपको सुनने को क्या मिल रहा है, मिश्रधन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन क्या होता है ये मिश्रधन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है अमाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, अमाउंट बोलते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से, एक तो जो हम उधार लेते हैं, क्या लेते हैं उधार, और इसे ही हम दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं, मूलधन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मूल धन कह देते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ब्याज, ब्याज को तो हम हर एक भाषा में अगर देखा जाए तो ब्याज ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्याज, राइट, ये लिख दिया हमने ब्याज। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू मिलेगी वही होता है आपका क्या, मिश्रधन होता है, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे इस प्रश्न में आपने यहाँ पे निकाला था कि कितना देना पड़ रहा है आपको अंत में, 24000, 24000 कैसे मिला था, 24000 मिला था इस 20000 और 4000 को जोड़ने पे। 4000 क्या था बेटा, ये था ब्याज और ये क्या था, मूलधन था, दोनों को आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला, मिश्रधन मिला, ठीक है, क्या मिला, मिश्रधन मिला, जो कि हमने लास्ट में उसे पे किया था। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे कि मिश्रधन क्या है, मूलधन धन ब्याज, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप अगर ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट को तो आपको मिलेगा अमाउंट, ठीक है, जितना आपने उधार लिया था उसमें ब्याज जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, मिश्रधन। तो अब लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। कितना उधार लिया, 400 लिख लिया, उसके बाद दर बताई जा रही 5, समय बताया जा रहा है 2 वर्ष, और बट्टे में तो 100 को रखना ही है। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, ब्याज निकल कर आएगा, 5 × 20 × 40, कितना निकल के आया ब्याज, देखो 40 हमारा ब्याज निकल के आया। मैंने क्या बोला कि ब्याज और मूलधन को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या करना है, ब्याज और मूलधन को जोड़ देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ से, और ब्याज हो गया हमारा मिश्रधन, कैसे बनता है, मूलधन, और यहाँ पे जब आप ब्याज को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मिश्रधन मिल जाता है। तो मूलधन कितना था बेटा, 400 आपने क्या किया था, उधार लिया था, ठीक है, और ब्याज कितना निकल के आया है, ब्याज निकल के आया है 40 रुपए। तो इस 40 को ऐड कर दोगे टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 440, और यही होगा आपका राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, राइट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न दिया हुआ है, रहीम ने विनोद से 1100, ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ये जो वार्षिक ब्याज की दर बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है, दर, ठीक है, वो कितनी है, 7.5%, 7/1/2% आपको बताई जा रही है, 7 सही 1/2%। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 7 सही 1/2 को, आई होप कि आप लोगों से आता होगा ये कन्वर्ट करना, 7 × 2 = 14 = 1/15, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है हमें, ठीक है, दर पता लग गई है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है 6 महीने बाद,
क्या कहा जा रहा है 6 महीने बाद। तो देखो प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है, बस हमें पिक करना होता है, हमें उठाना होता है कि हमारे काम की कितनी चीज है। देखो मैं अगर प्रश्न पढ़ूंगा जब, तो मुझे पता है मूलधन बताया जा रहा है 1100, तो सबसे पहले मैंने मूलधन लिख लिया, उसके बाद मुझे दर का काम था तो दर भी मैंने निकाल लिया, कितना हो गया यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू थी तो मैंने अपॉन में पहले ही लिख लिया और यहाँ पे इंटू करा दिया 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 होता है। अब देखो 6 महीने बाद, तो मैं समय में क्या लिख दूंगा, 6 महीने, ठीक है। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा था, जो कि आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पे आई बटन में अटैच कर देता हूँ, और उसके बाद ये जो 6 माह था, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 12 से भाग देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वार्षिक बताया जा रहा था, वार्षिक बताया जा रहा था, हमने 12 से भाग दिया तो हमको 1 महीने का पता लग गया। चलो इसको पहले 6 को मिटा देते हैं। अब देखो क्योंकि ये वार्षिक बताया जा रहा था, दर जो थी वो वार्षिक थी, तो हमने 12 से भाग दे दिया पूरे को, तो हमें 1 माह का पता चल लगेगा। अब जो हमें 1 माह का पता लग गया है, हमें निकालना कितने माह का है, 6 माह का निकालना है, एज सिंपल एज। अब देखो सिंपली यहाँ से कट कर सकते हैं, 1010 1010 1010 यहाँ से काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। 11 × 15 कितना होता है बेटा, 11 × 15 होता है यहाँ पे, देखो 150 150 और 15 65, 165 और बटे में आ जाएगा बेटा कितना, 4, कैंसिल आउट करिए कितना हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 × 4 बचेगा कितना, 1 बचेगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा, देखो 41.25, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या, कुल कितनी, कुल कितनी का मतलब क्या, मिश्र धन, अदरवाइज आपसे क्या पूछा जाता, ब्याज पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे कुल कितनी बोला जा रहा है, तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपसे मिश्र धन की बात की जा रही है। और मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन निकलता है हमारा मूलधन धन ब्याज से, ठीक है, मिश्र धन हमारा इस तरह से निकलता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट डाउन करके मुझे बताने वाले हैं कि इसका आंसर यहां से क्या आने वाला है। देखो ये क्या निकल के आया है, ब्याज। अब मिश्र धन कैसे निकलता है मैंने आपको समझा दिया है, पिछले प्रश्नों में मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर अब आप लोग मुझे कॉमेंट डाउन करके जरूर बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा 5वां प्रश्न है यहाँ पे, 20 अक्टूबर 1982 को। देखो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले, सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया करिए। जब तक आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तब तक वो प्रश्न आपके लिए कठिन है या सरल है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखने से कोई चीज ऐसे पता नहीं लगती है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को कितने रुपए दिए, 2100। तो यहां पे 2100 जो होगा आपका मूलधन होगा, ठीक है। अब ब्याज की जो दर थी, ब्याज की दर कितनी थी बेटा, 8%। तो दो चीजें हमें मिल गई, एक तो मूलधन मिल गया, दूसरा हमें क्या मिल गया, दर। अब बात आती है समय की, तो 23 मार्च 1983 को श्याम ने कुल कितनी रकम लौटाई होगी, ठीक है, या फिर लौटाएगा। तो देखो मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, अब बात आती है समय की, तो समय कैसे पता करेंगे आप, आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अक्टूबर की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अक्टूबर में कितना मिला होगा, नवंबर में कितने दिन होते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पहले आपको निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने मंथ वाले में बताया था कि अपॉन में क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो अब अगर आप नंबर ऑफ डेज की बात करें, ठीक है, जितने दिन की बात करें, तो फॉर्मूले में क्या कर देंगे आप, बटे में 365, और जितना कहा जा रहा है ऊपर तो उसका करवा देंगे गुणा। आओ देखते हैं कितना होता है, नवंबर, दिसंबर, देन उसके बाद जनवरी, देन उसके बाद फेब, देन आएगा क्या, मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च, ठीक है, चलो डेज काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 22, तो अक्टूबर में अब कितने दिन बचे बेटा, 9 दिन बचे, कितने दिन बचे, 9 दिन बचे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नवंबर के कितने दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद फरवरी के 28 दिन,
और यहाँ पे फरवरी के 28 दिन क्यों? देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो 28 दिन मैंने लिखा है ये कभी कभी 29 दिन भी हो सकता है। हमें ध्यान क्या देना है कि जो ये 1983 दिया गया है क्या इस साल जो हमारी फरवरी थी वो 28 दिन की थी या 29 दिन की, तो ये डिपेंड करेगा लीप ईयर में। अब लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे? अगर आपकी ये जो दो संख्याएं हैं अंतिम वाली, ठीक है, जो 83 है, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे कितने दिन होते बेटा? 29 दिन होते। और मार्च के टोटल कितने दिन है बेटा? 22 दिन है। कितने? 22 दिन यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिए। चलो अब काउंट करते हैं कितना होगा यहाँ से, क्योंकि 23 को तो वापस कर देना है तो इसके 22 दिन को ही काउंट करेंगे। यहां से टोटल हो जाएगा आपका कितना? 50, ठीक है, कितना हो जाएगा? 50। यहां से अगर बात करें तो टोटल आने वाला है कितना? 3 × 9 और यहां से 92 और ये 9। अगर आप इसको 9 को इसमें करते हैं ऐड तो कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 23 डेज की बात की जा रही है। मार्च में कितना? 23वें दिन लौट आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, यहाँ से 30 30 30, 90 90 और 2। फिर मैं समझाता हूँ आगे आपको कि कैसे करना है। यहाँ पे 92 हो गया है, ये 9 को अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये ओवरऑल यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 2 11 1, उसके बाद 1 जाएगा इधर, तो 101 यहाँ से इतना मिलने वाला है आपको, ठीक है। 28 दिन ये, और अब देखो 23 होगा यहाँ पे या 22, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 23 दिया हुआ है, ठीक है, तो 23वें दिन हम लोग देंगे। तो यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, अक्सर आप लोग ये गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है कि यहाँ पे आप कई बार 22 लिख देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काउंट करना है। आप अगर छोड़ेंगे तो ये वाला डे छोड़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 22 अक्टूबर और 23 मार्च में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था जिसकी वजह से मैंने 22 लिख दिया था, लेकिन आप इस दिन को छोड़ देते हैं जिस दिन आप उधार ले रहे हैं, लेकिन आपको इसे ऐड करना पड़ेगा तभी आपका राइट आंसर यहां से मिलने वाला है। तो यहां पे से कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से? 51 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 152 हो जाएगा यहां से डेज। कितने दिन के लिए आपने उधार लिया था? 152 डेज के लिए लिया था, तो टाइम आपको पता लग गया है। चलो अब मैं ये वाला पार्ट यहाँ से मिटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले कितना दिया गया है आपको? 2100 बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 152 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, 0 से 0, इस 0 से ये वाला 0। अब देखो यहाँ पे ना क्या होने वाला था बेटा? अपॉन में 365, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, दैट इज वाई कि ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये जो डेज आपको बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक, तो 152 डेज कैसे काउंट करने हैं, तो अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को और रफ में नोट डाउन करिएगा। उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार खुद से ट्राई करना है आपको, ठीक है। चलो अब देखो यहां से सिंपली अब क्या करना है आपको, बस यहां से कट करके निकालना है, जो भी आंसर आएगा उसको आप ऐड कर देंगे 2100 में और वही होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए बढ़ते हैं यहां पे आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न कह रहा है रणधीर वर्मा ने 12%, ठीक है, रेट हमें मिल गया, साधारण ब्याज की वार्षिक, ठीक है, वार्षिक बताया जा रहा है, 1500 उधार 2 वर्ष 73 दिन के लिए हमें निकालना है। कितने दिन के लिए बेटा? 2 वर्ष 73 दिन के लिए। तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा, कैसे करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हो जाएगा 1500 गुणे दर कितना बताया जा रहा है? 12, और गुणे यहाँ पे 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब 365, और 365 गुणे 2 करिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो 3 × 6 और 60 × 120 और यहाँ पे 730 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 730। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 0 कैरी 1, 2 2 6 12 1 13 कैरी 1 और यहाँ से 2 3 6 1 7, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है? 73 दिन और, तो 73 डेज को और प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा आपका 7 3 10 0 और हासिल आएगा 1, तो यहाँ से 803। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 803 दिन, बटे में तो 100 रहने ही वाला है और साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 365 हो जाएगा, ठीक है।
इतनी हुई बात। अब देखो क्या करना है, उसके बाद कैंसिल आउट करिए। सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, पाँच से कटेगा तो पाँच से ये सात बार में 35 और तीन बार में कितना हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। पाँच से काट दे, अब पाँच से किसको काट देंगे, इसको कितनी बार में, तीन बार में। अब देखो ये 73 से इजिली डिविजिबल है, कैसे पता लगा, यहाँ से 73 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में बेटा 11 टाइम्स में। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर से 3, 12 और 11 बचा है, इसी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होने वाला है, आपका ब्याज होने वाला है, क्या होने वाला है, ब्याज, ठीक है। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया, ठीक है, कितना धन चुकाया, तो देखो ब्याज निकल के आएगा यहाँ से, और आपको 1500 तो दिया गया है, और जो ब्याज निकल के आएगा जब आप उसे जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना धन चुकाया गया है उसके द्वारा, किसके द्वारा, रणधीर के द्वारा। तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो मैं आपको एक बार फिर से कहने वाला हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें वीडियो, नए वीडियो और भी ज्यादा वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन होती है वो मिलती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।